फॉर्मूले पे ही सेट होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है 9x-2y का होल स्क्वायर प्लस 36x-2y इंटू में x+y और प्लस में 36x+y का होल स्क्वायर। देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कुछ कॉमन हो तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कॉमन कर सकते हो, सब में 9 कॉमन है। देख लो आपके यहाँ बचेगा x-2y का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4x-2y इंटू में x+y ठीक है और प्लस में 4x+y का होल स्क्वायर। नहीं भी करते कॉमन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप यहाँ पे चलता है ये भी। चलो अब देखो अंदर आओ, यहाँ दिया है x-2y का होल स्क्वायर। अच्छा इसको देखो, आप इसको देखोगे तो इसे हम लोग 2x+y का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर x+y का होल स्क्वायर, 2x+y का होल स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है ना जी, चलिए और प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 2y और गुना में आपका 2x+y। अगर इसमें गुना करोगे तो आपका यही ना आ जाएगा, तो अंदर फॉर्मूले पे सेट हो रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा अंदर a यानी कि x-2y और b के जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2x+y का होल स्क्वायर, फॉर्मूले पे सेट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 9 ब्रैकेट के अंदर x-2y यहाँ गुना करो तो 2x और प्लस में 2y का होल स्क्वायर, 2y कट गया, यहाँ 2x और x 3x हो जाएगा, 9 ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर, तो 9 गुना यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आ जाएगा 81x स्क्वायर आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलिए अगला।